नमस्ते, मेरा नाम दीप्ति कश्यप है। मैं राजकीय महिला पॉलिटेक्निक बीकानेर में कॉस्ट्यूम डिजाइनिंग एंड ड्रेस मेकिंग विभाग में वरिष्ठ प्रवक्ता के पद पर कार्यरत हूँ। आज हम बच्चों टाइप्स ऑफ यार्न यानी सिंपल यार्न और कॉम्प्लेक्स यार्न के बारे में चर्चा करेंगे। धागे बच्चों मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, साधारण धागे और मिश्रित धागे। साधारण धागे वे होते हैं जो एक ही प्रकार के एक ही वर्ग के रेशे से बनाए जाते हैं और जिसमें कि अन्य वर्ग के रेशे मिश्रित नहीं होते, और जो इनकी जो लंबाई होती है वो एक समान होती है, इनकी रचना नियमित रहती है और धागों में प्रति इंच ऐंठन की दर भी एक समान ही होती है, एक ही दिशा में होती है। साधारण धागे जो होते हैं वो निम्नलिखित प्रकार के होते हैं, जैसे एकेरा धागा, एक रेशीय धागा, दोहरा धागा, बहुरेशीय धागा और केबल या कॉर्ड यार्न। एकेहरा धागा वो धागा होता है, सिंगल स्ट्रैंड यार्न, जिसमें एक ही रेशे को काट कर, बट कर व ऐंठन देकर धागा तैयार किया जाता है। इसमें ऐंठन भी दी जाती है और कभी बिल्कुल ऐंठन नहीं दी जाती है। और जितने भी हमारे आर्टिफिशियल फाइबर हैं वो महीन होते हैं, पतले होते हैं और एक लंबा रेशा ही धागा जो है कहलाता है। इनमें ऐंठन एक ही दिशा में दी जाती है। दूसरा हमारा धागा होता है दोहरा धागा, डबल स्ट्रैंड यार्न, जिसमें कि दो अलग अलग एकहरे धागे होते हैं जिनको मिलाकर और बटकर धागा तैयार किया जाता है, और इसे दोहरा धागा कहते हैं, इसे प्लाई भी कहते हैं। फिर आता है बहुरेशिया, बहुबाहन धागा यानी मल्टी स्ट्रैंड यार्न, जब कई तैयार एकहरे धागों को एक साथ मिलाकर और बटकर एक ढंग देकर धागा बनाया जाता है, तो उसे बहुरेशीय धागा कहते हैं। फिर आता है हमारा केबल या कॉर्ड धागा। केबल या कॉर्ड धागा जब दो प्लाई से अधिक प्लाई के धागों को एक साथ मिलाकर बटकर व ऐंठन देकर धागे का निर्माण किया जाता है, तो उसे केबल या कॉर्ड धागा कहते हैं। क्रेप जो धागा होता है वो भी साधारण धागों से बना कॉर्ड धागे का ही रूपांतर होता है। फिर उसके बाद आते हैं हमारे मिश्रित यार्न यानी कि कॉम्प्लेक्स धागे, मिश्रित धागे। मिश्रित धागे जो होते हैं उसमें विभिन्न वर्गों के रेशों को एक साथ मिलाकर, काट कर, बट कर व ऐंठन देकर विभिन्न प्रकार के धागे बनाए जाते हैं। इन्हें ही मिश्रित धागे कहते हैं। इनकी रचना गूढ़ और जटिल होती है। इनमें कई रंगों के रेशों को मिलाकर धागे का निर्माण किया जाता है। धागे की लंबाई, व्यास, आकार, प्रकार में भी विभिन्नता हो सकती है। ऐंठन की दर भी अनियमित और अलग अलग अंतराल पर हो सकती है। कहीं ज़्यादा ऐंठन होती है, कहीं बिल्कुल ही नहीं होती है। मिश्र धागों को बनाने के लिए तीन धागों का प्रयोग किया जाता है। एक धागे का प्रयोग आधार देने में किया जाता है, दूसरे धागे से आधार वाले धागे पर डिजाइन बनाए जाते हैं, और तीसरे धागे से इनका प्रयोग करके इन धागों को बांधने के लिए काम में लिया जाता है। ये धागे सजावट के उद्देश्य से बनाए जाते हैं, इसलिए इनको फैंसी यार्न भी कहते हैं। जैसे सबसे पहला इसमें है फ्लेक यार्न। फ्लेक धागा भी जो होता है वो एक तरह से हमारे स्लब धागे का ही रूपांतर होता है। इसमें एक धागा कम बटा हुआ अथवा बिना बटा हुआ ही रहता है, और दूसरा धागा जो होता है वो कसकर बटा हुआ, बांट कर लपेट दिया जाता है। फिर हमारा आता है स्पाइरल यार्न। स्पाइरल यार्न जो होता है दो से अधिक बार प्लाई वाले धागों को एक साथ मिला करके धागे का निर्माण किया जाता है। फिर हमारा आता है रिटाइन यार्न। रिटाइन यार्न धागा काफी प्रचलित वस्त्र उद्योग में इसका काफी प्रयोग किया जाता है। ये धागा भी स्पाइरल धागे का ही रूपांतरित और संशोधित रूप है। इसकी बटाई भी स्पाइरल धागे के समान होती है। इसमें भी एक बिना ऐंठन युक्त धागे पर कसकर दूसरा धागा जो है वो बांधा जाता है। उसके बाद आता है हमारा बाउसले यार्न। बाउसले यार्न जो होता है वो फैंसी धागे होते हैं जो दो या दो से अधिक धागों को मिलाकर खिंचाव देकर बनाए जाते हैं। फिर आता है हमारा गांठ वाला धागा यानी कि नॉट यार्न। नॉट यार्न जो होता है वो इस धागे का निर्माण दो धागों का जो है प्रयोग करके बनाया जाता है, और इसमें एक धागा आधार का काम करता है, दूसरे धागे को पहले धागे पर ही निश्चित अंतराल में एक स्थान पर देर तक लपेटते जाते हैं, जिससे नॉट या नॉट का इफेक्ट होने का भ्रम होने लगता है। फिर उसके बाद आता है हमारा ग्रेंडल यार्न। ग्रेंडल यार्न जो होता है वो दो या दो से अधिक रंग के धागों को एक साथ मिलाकर, बटकर, ऐंठन देकर धागा तैयार किया जाता है, इसे ग्रेंडल धागा कहते हैं। फिर आता है हमारा स्ट्रेच धागा। स्ट्रेच धागे कृत्रिम विधि से तैयार किए जाते हैं। इन धागों में यह विशेषता होती है कि खींचने पर धागे फैल जाते हैं और छोड़ देने पर ये शीघ्र ही अपने पूर्व आकृति को ग्रहण कर लेते हैं। ये ज्यादातर ये धागे जो होते हैं हमारे थर्मोप्लास्टिक ताप सुनमय रेशों से बनाए जाते हैं।
फिर उसके बाद आता है हमारा बनावटी धागा या टेक्सचर धागा। फिर बच्चों हमारा आता है बनावटी धागा या टेक्सचर धागा। ये धागा भी जो है वो हमारे स्ट्रेच धागे का ही रूपांतरित और संशोधित उन्नत रूप है, और इसकी इसकी मतलब कहते हैं गुणवत्ता में वृद्धि की जाती है। और ये नायलॉन के धागों से बनाए जाते हैं, यानी कि नायलॉन भी एक थर्मोप्लास्टिक फाइबर है, और इसमें क्या होता है रेशम के समान चमक होती है, और ये इसके गुण भी जो होते हैं श्रेष्ठ और बेहतर होते हैं। इसकी जो प्रत्यास्थता है, लचीलापन है, प्रतिस्पर्धता है वो काफ़ी अच्छी होती है, और इनकी सर्विसिबिलिटी भी काफ़ी अच्छी होती है, और लेकिन इसमें आरामदायकता और अवशोषकता का अभाव पाया जाता है। और ये कह सकते हैं कि इसमें ना शिकन प्रतिरोधकता, गुठली भी नहीं बनती है, आकार धारिता, समरूपता, घिसावट, अवरोधकता आदि के गुण जो होते हैं वो वस्त्र में आ जाते हैं। टेक्सचर्ड जो धागा होता है वो तीन प्रकार से विभाजित किया गया है, एक तो बनावटी सतह वाला धागा, एक खींचा जाने वाला धागा, और एक किया गया है वृहत बनावटी धागा। तो जो बनावटी सतह वाला धागा होता है वो इसके लिए क्या किया जाता है कि वस्त्रों को पहले से ही हीट सेट कर दिया जाता है विभिन्न आकार और आकृतियों में, है ना। इसके लिए एसीटेट और रेयन और पॉलिएस्टर धागों पर ये प्रक्रिया की जाती है। फिर इसके बाद आता है खींचा जाने वाला धागा। इस धागे में जैसे फ्री साइज के जो वस्त्र होते हैं, जैसे होजरी, स्वेटर, दस्ताने, मोजे आदि बनाए जाते हैं। इन ये भी खींचा जाने वाला धागा भी दो प्रकार का होता है, घुंघराले धागे कर्ल टाइप, और दूसरा होता है कुंडलीदार धागा कॉइल टाइप। जो घुंघराले धागे होते हैं कर्ल टाइप, इसमें क्या होता है कि जो साधारण फिलामेंट यार्न धागा होता है उसको गर्म अवस्था में ही जो है तेज चाकू की धार पर से होकर गुजारा जाता है, जिससे धागे का एक भाग चपटा व दूसरा भाग घुंघराला बन जाता है। फिर उसके बाद उसको ठंडा कर लिया जाता है। कुंडलीदार धागे जो होते हैं वो नकली ऐंठन व ताप के द्वारा इनमें कुंडली जो है यानी कॉइल बनाई जाती है। फिर आता है वृहत बनावटी धागा, ये भी जो है हमारे तीन भागों में बांटा गया है, एक क्रिम्प धागे, लूपदार वृहत धागा और लूपदार वृहत धागा। जो क्रिम्प धागे होते हैं वो फिलामेंट धागों को क्रिम्प बॉक्स में दबा करके तैयार किए जाते हैं, और लूपदार वृहत धागा जो होता है वो जो धागे होते हैं या फिलामेंट जो होते हैं उनको नियंत्रित गति से एक नोजल के बीच में से गुजारा जाता है। इसी नोजल में से तीव्र वेग से हवा प्रवाहित की जाती है, हवा का तीव्र वेग धागे को लूपदार बना देता है। उसके बाद आता है लेसेटेक्स धागा। इस प्रकार के धागे को बनाने के लिए अत्यंत महीन रबर के तार को रुई, नायलॉन, रेयन तथा अन्य वर्ग के धागों को साथ मिलाकर बटकर तैयार किया जाता है। फिर आता है हमारा नोवेल्टी धागा। नोवेल्टी धागे का निर्माण कताई मशीन से किया जाता है, और इसके निर्माण में तीन धागों का प्रयोग किया जाता है। एक धागा आधार का काम करता है, दूसरे धागे से फैले आधार उत्पन्न किए जाते हैं, और तीसरा धागा जो होता है उनको बांधने का काम करता है। तो इस प्रकार से हमारे जो हैं ये फैंसी धागे होते हैं, और जिनसे कि जिन जिनका प्रयोग करके सुंदर और आकर्षक वस्त्र तैयार किए जाते हैं, और इन्हीं को मिश्रित धागे भी यानी कि जटिल धागे या कॉम्प्लेक्स यार्न कहते हैं, क्योंकि ये अलग अलग वर्ग के रेशों को आपस में मिला करके तैयार किए जाते हैं, और एक प्रकार से हम कह सकते हैं इसमें दोनों ही रेशों के गुण आ जाते हैं। तो कम कीमत का और बेहतर क्वालिटी का जो है वस्त्र इससे तैयार किया जाता है। थैंक यू सो मच बच्चों।